अकाली दल की अनुशासनी कमेटी वालों ले जाने वाले फैसले तो पहला सीनियर आगू जगमीत सिंह बराड़ ने अज श्री अकाल तख्त साहब के जद्दा सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह नाल मुलाकात की है। इस मुलाकात तो बाद श्रोमणी अकाली दल के सीनियर आगू जगमीत सिंह बराड़ ने कहा कि वह किसी अहदे का उन्होंने लालच नहीं है। इस दौरान बराड़ वालों एक मंग पत्र भी दिता गया है। उन्हें कहा कि श्रोमणी अकाली दल से पंथक एकता लिए काम करते रहेंगे। जिम्मेवारी नहीं पर पार्टी के अंदर एक मुठता से एकता का जोड़ा विरोध शुरू होया ओ कौम दे भले विच नहीं ये बेनतियां अज सिंह साहब नूं मैं करना है। मुलाकात होई सिंह साहब दे नाल? हाँ जी बहुत अच्छी मुलाकात होई। लगभग अद्धा घंटा मैं उन्हां नाल रहा और उन्हां नूं मैं पत्र सौंपिया। पत्र दे जिहड़े सारे उहदे कंटेंट ने सॉरी वो कंटेंट जिहड़े ने उह सीलबंद ने मैं उन्हां नूं दे के आया। तो मेरा ये फर्ज नहीं कि उहदे विच जिहड़े कंटेंट है उहदे बारे मैं तुहानूं दस्सां, लेकिन मोटे तौर पर मैं आप नूं बेनती कीती है कि मैं अकाली वर्कर दे रूप विच काम करांगा और क्योंकि मैं अकाल तख्त साहब दे इत्थे पेश हो गया मैनू उन्होंने कुछ आदेश दिते ने। मैं हुण दुनियावी बंदे जिहड़े को राजनीतिक तौर पर बदला लो कार्रवाई भावना दे नाल दवेश नाल मेरे विरुद्ध कुछ एक्शन लेना चाहते हैं वो वेलकम है। जो सिंह साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी जिहड़े कि सब तो सर्व उच्च इस वेले रुतबे ते हन मैं उन्होंने टाइम लैके वक्त लैके मिलन आया और उन्होंने एक दो सफ़ियां दा पत्र अपने इस वेले दे मौजूदा पंथक हालात और अकाली दल की एकता एक मुठता ते उन्होंने पत्र दिता है और किस प्रकार आउण वालियां लोक सभा दीयां चोणां विच भी अकाली दल अगर संगठित रूप विच लड़ेगा अगर इकट्ठिया होकर लड़ेगा तो ये पंजाब दे भले विच है। क्योंकि दुनिया भर के लोग ये कह रहे हैं कि खेतरी पार्टी वजों अकाली दल का कमज़ोर होना इस देश का इस वतन का ते नाल दी नाल पंजाब का ते सिख कौम का कमज़ोर होना है। इस करके मैं उन्होंने अपने जज्बात ते भावनावां प्रगट कीतियां हन पर नाल दी नाल ओपरेटिव पार्ट तुहानूं दस दिया कि मैं अपने सारे अहुदिआं तों अकाली दल श्रोमणी अकाली दल का वर्कर रहांगा हमेशा पार्टी लई काम करांगा लेकिन मैं अहुदिआं दे पिछे ना भज के मैं अज उन्हां नूं बेनती कीती है और उन्होंने हुक्म ला दिता है कि अज तो बाद तुसी जगमीत सिंह अकाली हो ये अकाली पुणा तुहाडा तुहाडे पिता पुरखी तुहाडियां कैदां जेलां पंजाबी सूबा एमरजेंसी डिफेंस ऑफ इंडिया रूल टाडा सतलुज जमुना लिंक नहर के मोर्चे जो तुसी इन्नी वार जो भी लोड़ पई है कौम नूं और कौम का हुक्म होया तुसी फुल चढ़ाए है। क्योंकि मैं श्री अकाल तख्त साहब की इस महान संस्था नूं सिख पंथ की सर्व उच्च संस्था मन है अकाल पुरख महाराज के दरबार तो बाद अगर सब तो वध मुकद्दस अस्थान कोई है वो इस महान अकाल तख्त गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज का ये तख्त है। तो मैं अपनी भावना सच्चे मनों उन्हां कोले प्रगट करना है ताकि दुनियावी बंदे कोई राजनीतिक कीड़ा मेरे विरुद्ध कढ़न तो पहला मैं अपने दिल की भावना पंजाब के लोगों के सामने रखा क्योंकि मेरे खिलाफ़ कूड़ प्रचार पैसे दे के लोगों अहदे दे के जिन्हों के करोड़ों भर रुपए के इल्जाम हैं मेरिया पेशियां वो बंदे पा रहे हैं जिन्हों के उत्ते बेअदबिया का जिन्हों के उत्ते अनेक वार करप्शन के केसिस पेंडिंग है चार चार इंटरपोल भाल रही है वजीरां नूं जिहड़े वजीर रहे हैं उन्होंने विरुद्ध जदों इन्ने केस चल रहे होण तां जिहड़ी कमेटी भी गठित की गई मैं बेनती की कि मैं पत्र तुहानूं भेज दिता। मैं कोई जाती गल बाई नेम किसी के विरुद्ध नहीं कही इस करके मैं पार्टी के वर्कर वजों अपना काम जारी ब्यूरो रिपोर्ट पंजाब टुडे।